हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 28th ऑफ अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पैसिफिक आइलैंड फोरम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर प्रशांत द्वीप समूह फोरम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द फोरम एम्स टू एनहांस कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज एंड टेरिटरीज ऑफ ओशिनिया। सेकेंड, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फोरम। एंड थर्ड, द हेडक्वार्टर ऑफ द फोरम इज लोकेटेड इन फिजी। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है पैसिफिक आइलैंड फोरम से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया इसका सदस्य नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, द पैसिफिक आइलैंड फोरम इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू एनहांस कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज एंड टेरिटरीज ऑफ ओशिनिया, इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रेड ब्लॉक एंड रीजनल पीस कीपिंग ऑपरेशन। सो इट वॉज फाउंडेड इन 1971 एज द साउथ पैसिफिक फोरम एंड चेंज्ड इट्स नेम इन 1999 टू पैसिफिक आइलैंड फोरम। सो एज टू बी मोर इंक्लूसिव ऑफ द फोरम्स ओशिनिया स्पैनिंग मेंबरशिप ऑफ बोथ नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। एंड इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ पैसिफिक आइलैंड फोरम। द फोरम इंक्लूड्स कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड वेरियस पैसिफिक आइलैंड नेशंस। आपने देखा कि इसका हेडक्वार्टर है फिजी में, और इसमें टोटल जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी जो संख्या है वो है 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेमा कमिटी रिपोर्ट सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज। आपने देखा होगा हाल ही में खबरों में देखी गई है हेमा समिति की रिपोर्ट। आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं, इन्वेस्टिगेशन इनटू करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनालिसिस ऑफ द इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेकमेंडेशंस फॉर इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या फिर एक्सपोजर ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एंड ओ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। आपको बताना है कि हेमा समिति की जो रिपोर्ट आई है उसका संबंध किससे है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका संबंध है टू द एक्सपोजर ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। आप यहाँ देख सकते हैं, द हेमा कमिटी रिपोर्ट विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू द इश्यूज फेस्ड बाय द वुमेन इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। एंड द रिपोर्ट रिवील्ड अलार्मिंग इंस्टांसेस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री। So it highlighted issues such as the prevalence of casting couch, inadequate facilities for women on film sets, and the existence of a power structure that enables exploitation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following organizations is responsible for implementing the Vigyan Dhara scheme? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संगठन है जो विज्ञान धारा योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। और इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपको बताना है कि विज्ञान धारा जो योजना है ये कौन सा संगठन जारी करता है या लागू करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी। सो ये लागू किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हो, द विज्ञान धारा स्कीम इज अ यूनिफाइड सेंट्रल सेक्टर स्कीम अप्रोच्ड बाय द यूनियन कैबिनेट विच मर्जेस थ्री एग्जिस्टिंग अम्ब्रेला स्कीम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो द स्कीम एम्स टू एनहांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया बाई फोकसिंग ऑन थ्री मेन कंपोनेंट्स। और ये कंपोनेंट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, सेकेंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और थर्ड है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक डिपार्टमेंट है विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1971 में टू प्रमोट न्यू एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो टू प्ले द रोल ऑफ नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रमोटिंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द कंट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उड़ान 5.0। यहां पर उड़ान योजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, उड़ान 5.0 इंट्रोड्यूसेस अ न्यू फोकस कैटेगरी फॉर एयरक्राफ्ट विद मोर देन 80 सीट्स। सेकेंड, देयर इज नो लॉन्गर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ फ्लाइट्स अंडर उड़ान 5.0। एंड थर्ड, द बायबिलिटी कैप फंडिंग कैप इज द सेम फॉर ऑल रीजंस अंडर उड़ान 5.0। और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है उड़ान 5.0 से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, द बायबिलिटी कैप फंडिंग कैप अंडर उड़ान 5.0 डिफर्स क्योंकि ये प्रायोरिटी एरियाज के लिए 60% है और नॉन प्रायोरिटी एरियाज के लिए है 20%। सो उड़ान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, और ये एक रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अ पार्ट ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ अपग्रेडिंग अंडर सर्विस्ड एयर रूट्स। सो द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड उड़ान 5.0 जिसका उद्देश्य है टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया थ्रू हेलीकॉप्टर्स बेनिफिटिंग टूरिज्म एंड लोकल इकोनॉमीज। और ये जो योजना है ये पार्ट है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का, और इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू अप्रूव द सेंट्रल गवर्नमेंट्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है। आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ऐसा करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। आप यहां देख सकते हैं, महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव द सेंट्रल गवर्नमेंट्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड द यूपीएस इज सेट टू टेक इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2025। सो द स्कीम कंबाइंस फीचर्स ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम्स एंड द न्यू पेंशन स्कीम्स एंड इट इंक्लूड्स अ गारंटीड पेंशन अमाउंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन लिंक्ड इंक्रीमेंट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद इन 25 ईयर्स और मोर ऑफ सर्विस। सो यूपीएस की बात करें तो ये एक न्यू पेंशन स्कीम है कंबाइनिंग फीचर्स ऑफ ओपीएस एंड एनपीएस प्रोवाइडिंग अ फिक्स्ड पेंशन अमाउंट एंड ऑल्सो इन्फ्लेशन लिंक्ड इंक्रीमेंट्स। और आप ध्यान रखेंगे कि इसको अडॉप्ट करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो बना है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements is are correct about Bio E3 policy? यहाँ पर
बायो E3 पॉलिसी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द बायो E3 पॉलिसी इज अ पॉलिसी फॉर फोस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। एंड सेकेंड, इट्स सेलियंट फीचर्स इंक्लूड इनोवेशन डिराइविंग सपोर्ट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस थीमेटिक सेक्टर्स। और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि बायो E3 जो पॉलिसी है इससे रिलेटेड यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप यहां देख सकते हैं, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड बायो E3 पॉलिसी जिसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो दिस पॉलिसी इज अ प्रपोजल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर फोस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। इसके फीचर्स इंक्लूड करते हैं इनोवेशन डिराइविंग सपोर्ट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस थीमेटिक सेक्टर्स एंड दिस विल एक्सीलरेट टेक्नोलॉजी कॉमर्शलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बाई सेटिंग अप बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो AI हब्स एंड बायो फाउंड्री। सो दिस पॉलिसी विल प्रियोरिटाइज रीजेनरेटिव बायो इकोनॉमी मॉडल्स ऑफ ग्रीन ग्रोथ एंड फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज स्किल्ड वर्कफोर्स। आप ध्यान रखेंगे बायो E3 का फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली अ साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर कॉल्ड कानू वॉज लॉन्च इन विच स्टेट। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में कानू नामक दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया। आपके ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटका में। आप यहाँ देख सकते हैं, द ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर इन बीआर हिल्स कर्नाटका लॉन्च्ड कानू अ साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर ऑन 25 अगस्त। सो कानू मीन्स एवरग्रीन फॉरेस्ट इन कनाडा एंड सोलिगा एंड इट एम्स टू बी द फर्स्ट नॉलेज सेंटर डेडिकेटेड टू द पास्ट प्रेजेंट एंड कल्चर ऑफ साउथ इंडियन आदिवासी कम्युनिटीज। सो इट विल हैव 3 ब्रांचेस, अ लाइब्रेरी, एन एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी एंड अ को रिटन बुक। सो द लाइब्रेरी विल बी इनोग्रेटेड एंड द बिब्लियोग्राफी विल बी अवेलेबल ऑनलाइन इन सेप्टेम्बर। एंड दिस इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड बाई द आदिवासी लीडर्स, स्कॉलर्स एंड द रिसर्चर्स विद अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन टू दीज कम्युनिटीज। तो आप ध्यान रखेंगे साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर लॉन्च किया गया है BR हिल्स कर्नाटका में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।